Good morning, students. How are you all? I hope all are good and safe. Okay, in last class, किसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे? जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है साइना नेहवाल, इसके बारे में हमने जाना था. तो उसका जन्म कहाँ पे हुआ? हिसार, हरियाणा के राज्य में हिसार नामक गांव में. कब? 17 मार्च 1990, 17 मार्च 1990. वेयर इज इन हिसार? वेयर इज द विलेज लोकेटेड? इन हरियाणा. अब उसके पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हरवीर सिंह. माता मदर उषा नेहवाल. अब उसके पहले गुरु, प्रथम गुरु थे नैनी प्रसाद. तो उसके माता पिता हरिसिंह और उषा नेहवाल, उसके गुरु नैनी प्रसाद और तीसरे गुरु पुल्लेला गोपीचंद के, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी. तो यह पुल्लेला गोपीचंद कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद में रहने वाले हैं. और उनके साथ वहाँ उनके कोचिंग में कौन? साइना नेहवाल ने यह बैडमिंटन खेलना अभी अच्छे उसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करी. अभी उनसे प्रैक्टिस भी ले लिया था साइना नेहवाल ने. यहाँ तक हमने जाना है. और आज हम और सन 2006 में यह राष्ट्रीय चैंपियन भी बनी. ओके, अब उसमें एशियन साइकिल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर हिस्ट्री क्रिएट किया था और ऐसा श्रेय प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन. ओके, उसी साल साइना फिलीपींस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी. इन नेक्स्ट दैट सेम ईयर मीन्स 2006 और यह दूसरी खिलाड़ी बनी, दूसरी सेकेंड महिला खिलाड़ी मीन्स वुमेन प्लेयर. ओके, इसके बारे में हमने जाना था. और आज हम जानेंगे वह मीन्स वह मीन्स यहाँ पर कौन? साइना नेहवाल. उसने किसमें खिताब प्राप्त की हम आज देखेंगे. अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल के आयोजित कार्यक्रम में उनका योगदान इस प्रकार है. इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में इसने कितने कैसे योगदान या पार्टिसिपेशन किस तरह पार्टिसिपेट किया यह हम आज जानेंगे. सन 2009 में, सन 2009 में से 2009 में उन्होंने इंडोनेशिया ओपन में चाइना की वांग लिन को, चाइना हमको पता ही है चाइना, तो उस देश से संबंधित खिलाड़ी वांग लिन, क्या नाम था उसका? वांग लिन. तो यह कहां की है वांग लिन? चाइना की है, चाइना खिलाड़ी है यह. चाइना वांग लिन को हराकर BWF सुपर सीरीज जीती. शिवोन होम साइना नेहवाल वो द बैडमिंटन शिप वेनर 2009 किसको हराया? जो चाइना की खिलाड़ी है वांग लिन को हराया उसने. हराकर BWF टूर्नामेंट को जीता, BWF टूर्नामेंट को जीता कर 2009 में. नेक्स्ट 2010 में, नेक्स्ट 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज में चीन की खिलाड़ी, अगेन 2010 में जो चीन मीन चाइना चीन, तो चीन की खिलाड़ी को हराकर विजयिनी रही. अगेन शी वॉन द टाइटल इन 2010 इन सिंगापुर. तो यह 2009 कहाँ? इंडोनेशिया में. वे शी पार्टिसिपेट इन इंडोनेशिया व्हेन? 2010
2009। सो उसका मुकाबला किससे हुआ? चाइना के खिलाड़ी वांग लिन से। बट यहाँ पर कौन जीता इस मैच में? Who won this match? 2009। One and only साइना नेहवाल। Next, 2010। यह कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में जो अगेन चीन की खिलाड़ी को उसने हरा कर उस टूर्नामेंट को जीता। विजयिनी फिशी वन द मैच। सन 2012 में अगेन 2011 में उन्होंने थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड खिताब जीता। तो अगेन शी वन द मैच टू इवेंट 2012 में इसने इस गोल्ड खिताब मींस टाइटल। ओके, खिताब मींस क्या है उसका मतलब अब हम जानेंगे। खिताब तो यहाँ पर हम प्रोनाउंस करते समय अच्छा गौर से कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं किताब कह रही हूँ या खिताब। सो यह किताब और खिताब यहाँ पर डिफरेंस देखिए प्रोनाउंस करने में, लिखने में भी अलग है और उसे प्रोनाउंस करने में भी डिफरेंट साउंड आता है। किताब हमको पता है, किताब मीन्स बुक, लेकिन यहाँ किताब सेकेंड खा किताब मीन्स टाइटल। किताब बुक, यहाँ पे किताब टाइटल। शी वन द टाइटल वेन 2012 में। ओके, सो वह टूर्नामेंट कहाँ चला, कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में वहां पे खेली थी वह। तो उसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल की। सो 2009 में इंडोनेशिया में किस खिलाड़ी को उन्होंने हराया? चाइना से रिलेटेड वांग लिन को उसने हराया। और अगेन 2010 में सिंगापुर में जो टूर्नामेंट चला था उसमें भी चीन की खिलाड़ी को हराया था। और 2012 में थाईलैंड में उसने खिताब हासिल की। इस प्रकार तीन ओवर मिस थ्री टाइम्स 2009 में एक बार, अगेन 2010, नेक्स्ट 2012 में इसने तीन बार थ्री टाइम्स शी वन द टाइटल्स, शी वन द टूर्नामेंट। विच टूर्नामेंट? बैडमिंटन। सो इसने तीनों मैचों में विजयी बनकर उन्होंने उच्च पद का खिताब हासिल किया। शी गॉट फर्स्ट प्लेस इन द टूर्नामेंट बैडमिंटन। ओके, उच्च स्थान मीन्स उच्च पद का खिताब हासिल किया। उच्च पद मीन्स हाई प्लेस, फर्स्ट प्लेस। ओके, फर्स्ट रेंज में वह आ गई। अंतरराष्ट्रीय खेलों में तीन बार विजयिनी बनकर, यह राष्ट्रीय लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में तीन बार इसने यह बैडमिंटन जीता। विजयिनी होकर उन्होंने दुनिया के बैडमिंटन खेल में द्वितीय श्रेणी का स्थान प्राप्त किया। कंटिन्यूसली यहाँ पर तीन बार जीतने पर 2009, 2010, 2012 में कंटिन्यूसली यह तीन बार इसने बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत हासिल करने पर वह वर्ल्ड वाइज दुनिया में सेकेंड प्लेस को प्राप्त की। शी गॉट इन सेकेंड रैंक।
ओके रैंक्स में इसका प्लेस इसका रैंक कितना था इसका मींस यहां पर कम साइना नेहवाल शी गॉट सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड ओके उसने विश्व में द्वितीय श्रेणी का स्थान प्राप्त किया सबसे बड़ी उपलब्धि biggest achievement big achievement तो यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है प्रथम भारतीय महिला है जो ओलंपिक खेल में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची तो शी इज ए फर्स्ट वुमेन इन क्वार्टर फाइनल्स शी गॉट ए फर्स्ट प्लेस प्रथम महिला है जो ओलंपिक खेल में बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल तक पहुंची इन ओलंपिक गेम्स हमको पता है ओलंपिक गेम्स के बारे में तो उसमें कुछ रिंग्स होते हैं किसी को पता है कैसे होते हैं ना एनीबॉडी नोस दैट ओलंपिक रिंग्स तो ओलंपिक्स में इसने क्वार्टर फाइनल तक कहां पहुंची ओलंपिक्स गेम्स में इसने मैं यहां पर किसने साइना नेहवाल में क्वार्टर फाइनल तक आई तो वो भी फर्स्ट लेडी द वर्ल्ड तो यहां पे 2010 में उनको अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के उच्च खेल प्रदर्शन के लिए तो यहां पे 2009 और 2010 2009 एंड 2010 इस ईयर में उच्च प्रदर्शन के लिए तो उच्च प्रदर्शन यहां पर क्या है तो उसने टूर्नामेंट जीता था ना कंटिन्यू से तीन बार यह टूर्नामेंट जीता है उसने तो इसलिए उसने गवर्नमेंट ने क्या किया 2009-2010 के लिए उसको एक पुरस्कार दिया गया शी गॉट ए प्राइज क्या है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसमें जिन खिलाड़ी सिर्फ यह खिलाड़ियों को ही दिया जाता है सिर्फ जो प्लेयर्स होते हैं ना उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न सिर्फ खिलाड़ियों को ही दिया जाता है तो मैंने इससे पहले ही बताया था द्रोणाचार्य अवार्ड तो यह भी सिर्फ खिलाड़ियों को ही मीन्स खिलाड़ी मीन्स यहाँ पर जो गुरु होता है उसके लिए तो यह राजीव गांधी खेल रत्न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और मैंने और एक पुरस्कार बताया था द्रोणाचार्य पुरस्कार यह किसे दिया जाता है गुरु को दिया जाता है जो कोच ना उसके लिए दिया जाता है तो यह सिर्फ खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं ना उन सिर्फ उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है तो इस तरह साइना नेहवाल ने अनेक पुरस्कार जीता है सो साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पे हुआ और एक बार हम डिटेल्स देखेंगे साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार नामक गांव में हुआ था कब 17 मार्च 1990 में हुआ था उसके माता पिता उसके पिता थे डॉक्टर हरवी सिंह और माता उषा नेहवाल अब उसके बचपन में ही उनके पिताजी ने मीन्स हरि सिंह जी ने साइना नेहवाल को बैडमिंटन के प्रति मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट जो था उस खेल के बारे में सिर्फ के पिता के द्वारा जानकर और उनके गुरु जो द्रोणाचार्य खिताब जीता था मैनी प्रसर सो उनके कोचिंग में उसने बैडमिंटन के बारे में जानकर उसमें ट्रेनिंग शिक्षण प्रारंभ की और उसके बाद और तीसरे गुरु पुलेला गोपीचंद
हैदराबाद आकर उसने वहां पे कोचिंग लेना शुरू कर दिया और उसके बाद वह अपनी बैडमिंटन में अपनी स्थान को बरकरार रखते हुए अपने और इसमें दो मैंने दो ईयर बताया था ना 2009, 2010, 2012 तो इन सभी ने उसने बैडमिंटन में खेलकर अच्छी तरह प्रथम स्थान को पाया और 2009-2010 में सरकार ने उसे एक पुरस्कार दिया वह था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस तरह उसने अभी तक इसे बैडमिंटन को कंटिन्यू कर रही है और आगे भी हम उसके बारे में जानेंगे। ओके okay?